अकाली दल बादल के वर्करों ने राजीव गांधी को भी 84 सिख दंगों में जिम्मेवार ठहराते हुए उनके बुद्ध पर कालिक पोत दी थी। उसी मामले में आज दोनों अकाली वर्करों गुरदीप सिंह गोशा और मीतपाल दुगरी को अदालत में पेश किया गया। इस मौके पर सीनियर अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया भी उपस्थित रहे। इस दौरान गोशा ने कहा कि पुलिस उन्हें फिजिकली और मेंटली टॉर्चर कर रही है। आप भी सुने। धक्केशाही कांग्रेस की बिल्कुल धक्केशाही है। टॉर्चर भी किया गया, मेंटली भी परेशान किया गया, धक्केशाही है। इन्हों जवाब देना पेगा आने वाले इलेक्शन से भी, तो परमात्मा के घर भी इन्होंने जवाब देना पैना। मैं अपने गुरु नानक देव के आम पातशाह से भरोसा, कांग्रेस की पूरी धक्केशाही चल रही है, परसनल अटैक किए जा रहे हैं, कातलों का साथ दिता जा रहा। मैं हैरान हूं राहुल गांधी तो कैप्टन तो कैप्टन साहब को चाहिए सगा अज कातलों के खिलाफ कार्रवाई करते। अज टॉर्चर किया गया, मेंटली परेशान किया गया। मैं समझदा कि ये कांग्रेस की वड्डी वड्डी गुंडागर्दी और सिखे नहीं, इन्नी गुंडागर्दी करके भी वो सिखे नहीं, अज उ गुंडागर्दी डबल कर जा रहे। पर मैं कहना इन्हों जवाब परमात्मा ने भी देना, संगत ने भी देना। मैं संगत को बेनती करा इन्हों जो इन्होंने ना, दूजी गल हिंदू हिंदू सिख की पाठ बन दी पोलिटिकल पेट्रीनेज नाल 84 दे दंगे होए, 84 दे कतलेआम कराए गए, कमलनाथ जगदीश टाइटलर सज्जन कुमार ने कराए, फैक्ट है। 3000 तो वध सिखा नू मारिया गया, हले तक इंसाफ कोई नहीं। जज साहब की हाई कोर्ट की ये उन्होंने आपकी टिप्पणी दी है जी, सो ये बारे सारा कुछ थोड़ा दसा। उन्होंने जी एक दिन का पुलिस रिमांड दिता गया, तो दोबारा कल पेश किया जाऊगा कोर्ट।